मध्य प्रदेश के भिंड में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली, पहले पति से हर महीने भरण पोषण भी लेती रही और दूसरे पति के साथ रहने लगी। दूसरी शादी के बाद जब पहले पति को पता चली तो वह थाने पहुंच गया। पुलिस ने महिला और उसके दूसरे पति को भी बुला लिया। थाने में डीएसपी पूनम थापा से पहले पति ने कहा कि मेरी पत्नी वापस करा दो, बिना तलाक लिए उसने दूसरी शादी कर ली जबकि वो हर महीने मुझसे भरण पोषण का खर्च लेती रही। इस पर महिला ने कहा कि पहला पति मुझे पसंद नहीं है। उधर राखी के दूसरे पति राय से ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि राखी की पहले भी शादी हो चुकी है। 2017 में हमारी 4 मार्च को शादी हुई थी इनके साथ में। उसके बाद में ये हमारे साथ रहे नहीं बिल्कुल। 3 साल हो गए हमारे केस को चलते चलते, ये 4th साल है और ये हमारे ऊपर हम इनको मेंटेनेंस का दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हम दिल्ली से आके तारीख करते हैं, हम नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दुखी है। इन्होंने छुड़ा ली है, छीन ली है और ये शादी कर ली है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। हम इनको भरण पोषण दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ऊपर से ये लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप 2 लाख रुपए हमें दो और दहेज का सामान सारा पहले दो, उसके बाद में हम राजीनामा करेंगे। ये अपनी मर्जी से हमारा घर छोड़ के आए थे, हम तो इनको दिल्ली में भी रखा था 6 महीने। ये अपनी मर्जी से घर छोड़ के आए थे, हमने इनसे ना ही हमारा कुछ हुआ है। जब हम तो यही कहना है हमारी पत्नी हमें वापस चाहिए। अब हम क्या बोले, जब ये इतना झूठ बोल रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं। इनके साथ चलेगी ना, इनके साथ चलेगी। जब ये लेने नहीं आए, पहली बात तो ये 3 साल हो गए ये लेने नहीं आए मुझे, और झूठा आरोप लगा रहे मेरे का 6 महीने के दिल्ली रखा है। दिल्ली रखकर 6 महीने का, 3 महीने तो मैं बीमार रही थी, 1 महीने से ये। अरे हम तो राखी के अनुमति के अनुसार शादी की ना हमने तो सर। तो इनका कहना है कि आपने इनकी पत्नी रखी है। हमको तो जानते नहीं, हमको क्या मालूम। हम तो राखी के पास गए थे, इनके मम्मी पापा बोले भाई लड़की शादी कर लो, हमने कर ली और राखी से मर्जी से शादी हुई। पहले मंदिर से फिर आपने पत्नी इनकी छुड़ा ली है। ले हमने, हम क्यों छुड़ाए, कोर्ट से शादी की हमने। हमारी तो कोर्ट से शादी हुई, पहले घर से हुई थी। तो अभी इनकी पत्नी आपके साथ रह रही है ना। हमें पसंद नहीं है, मैं तो राखी को जानता हूँ, हमें पसंद नहीं है वो। तो किसके साथ रह रही है पत्नी, इनकी पत्नी? ये मामला है धर्मन जाटव का, जो कि महगांव का रहने वाला है। उसकी शादी को ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। राखी नाम की एक लड़की से उसकी शादी हुई थी 4 साल पहले। इसकी पत्नी 6 महीने इसके साथ रही है, उसके बाद इसके साथ नहीं रही वो, और इसकी पत्नी उसके साथ रहना भी नहीं चाहती है। और अभी इसको पता चला 1-2 महीने में कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है जिस तरीके से, तो वो पूरे कागज लेके आए हैं कि मेरी पत्नी की शादी हो गई है किसी दूसरे के यहाँ। और ऊपर से ये भरण पोषण भी इसको लगातार 3-4 साल से दे रहा था। इसकी पत्नी इसके साथ जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन चूंकि ये एक तरीके से फ्रॉड हुआ उसके साथ कि उसकी बिना तलाक, उसका तलाक भी नहीं हुआ, उसकी पत्नी ने उसके साथ दूसरी शादी कर ली, तो इस मामले को देख रहे हैं हम। तलाक नहीं हुआ है, हिंदू विवाह अधिनियम ये कहता है कि अगर पहले पति के जिंदा रहते हुए या पत्नी या पति दूसरी शादी कर लेते हैं तो उसमें 494 का एक इस्तिगाशे लगाया जाता है। अब मैं दिलवा नहीं सकती हूँ, क्योंकि पत्नी का भी ऐसा कहना है कि वो अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती है, वो दूसरे पति के साथ ही रहना चाहती है, चूँकि लड़की प्रेग्नेंट भी है दूसरे पति से। तो अभी देखते हैं, मामले को समझाते हैं पूरी तरीके से। भिंड से EMS TV के लिए अमरकांत सिंह चौहान की रिपोर्ट। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।